नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी ट्रिक्स देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको टाइम एंड वर्क टॉपिक पर टीसीएस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप सारे सही करके आओगे। भाई स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। भाई हम इंडिया के पहले ऐसे प्लेटफॉर्म है और एकमात्र ऐसे प्लेटफॉर्म है जो टीसीएस पर टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियोस आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। भाई स्टार्ट करने से पहले आपको एक फनी वीडियो दिखाता हूं। भाई वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम काफी टाइम से नहीं बना। थाईलैंड का प्रोग्राम मार्च से चालू इंटरनेशनल उड़ान, मैं बनाऊंगा प्लान प्लान प्लान। ठीक नहीं हो रही थी मेरी खांसी जुकाम, मनीष बोला खा लो सर कच्चा बादाम, शहद के साथ खाऊं कच्चा बादाम दाम। नमस्कार जी, कच्चा बादाम भैया कच्चा बादाम, मेरे फ्रेंड चुटकी कालू और शिनचैन, नोबिता शिजुका और डोरे मोन मोन मोन। चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा वीडियो में। भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए टीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखो भाई 2019 में पूछा गया, 2021 में फिर से पूछ लिया गया। क्या बोला है, मोदी जी एंड अरविंद केजरीवाल जी कैन मेक 720 टॉयलेट्स इन 20 डेज। भैया मोदी जी और केजरीवाल जी जो है उन्होंने जिम्मा उठाया कि भाई हम टॉयलेट्स बनाते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर के 720 टॉयलेट्स जो है वो बनवाई 20 दिन में। अरविंद केजरीवाल जी एंड राहुल गांधी जी 24 डेज में भाई ये 720 टॉयलेट्स बना पा रहे हैं, एंड राहुल गांधी जी एंड मोदी जी 15 डेज में 720 टॉयलेट्स बना पा रहे हैं। भाई मोदी जी वर्क्स फॉर 4 डेज, अरविंद केजरीवाल जी फॉर 8 डेज एंड राहुल गांधी जी फॉर 8 डेज, द टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स मेड बाय देम इज, तो भाई कुल मिलाकर के 720 टॉयलेट बनानी है। अगर मोदी जी और केजरीवाल जी काम करते हैं तो 20 दिन में, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी काम करते हैं तो 24 दिन में, राहुल जी और मोदी जी काम करते हैं तो 15 दिन में ये कर पाएंगे। भैया मोदी जी ने 4 दिन तक काम किया, फिर केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी ने 8 दिन तक काम किया, टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स अभी तक ये कितनी बना चुके हैं आपको ये बताना है। भाई अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है, अपन एक काम करते हैं, मोदी जी को एम से रिप्रेजेंट करेंगे भाई, है ना, केजरीवाल जी को लेटर सपोज के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राहुल जी को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। भैया 720 टॉयलेट बनानी है 20 दिन में, तो अपन तो एक दिन का डेटा निकाल लेते हैं। भाई अगर मोदी जी और केजरीवाल जी मिलकर के टॉयलेट बनाते हैं तो 720 टॉयलेट 20 दिन में बना पा रहे हैं, तो अगर मैं 720 का 20 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 36, मतलब 36 टॉयलेट बेटा एक दिन में बना पाएंगे। तो अपन वन डे की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, है ना, एक दिन में कितनी टॉयलेट बना पाएंगे भैया, है ना, एक दिन में 36 बना पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं केजरीवाल जी और राहुल जी की बात करूं तो ये भैया 24 दिन में काम को पूरा कर पा रहे हैं, यानी ये 24 दिन में 720 टॉयलेट्स बना पा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी बना पाएंगे भाई, आपकी 30 बना पाएंगे, तो एक दिन में 30 टॉयलेट्स बना पाएंगे। और तीसरा केस क्या दे रखा है, राहुल जी और मोदी जी अगर काम करते हैं तो ये 15 दिन में काम को कर पा रहे हैं, यानी 720 टॉयलेट्स को ये 15 दिन में बना पा रहे हैं। भाई तो एक बार करके देख लेते हैं, भाई अपन एक काम करते हैं, 3 की टेबल में ये 5 टाइम्स चला जाएगा, और 3 की टेबल में आपका कितना टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स, और ये आपका अल्टीमेटली 24 आ गया, ठीक है। ये उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 48 इंटू 5 जो है वो आपका 240 आ जाता है, यानी 48 टॉयलेट्स जो है वो एक दिन में बना पा रहे हैं अगर राहुल जी और मोदी जी काम करते हैं। एक काम करो, इन तीनों का सम कर दो। अब आप देखो मोदी जी दो बार आ रहे हैं यहाँ पर, केजरीवाल जी दो बार आ रहे हैं, राहुल जी दो बार आ रहे हैं, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ मोदी जी प्लस केजरीवाल जी प्लस राहुल जी, है ना, इज इक्वल्स टू, भाई इसका जरा सम करो, ये हो गया आपका 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 106 और 8 आपका 114 हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर ये तीनों मिलकर के काम करें, मोदी जी केजरीवाल जी और राहुल जी तीनों मिलकर के अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करें तो 114 टॉयलेट्स बना पाएंगे ये लोग एक दिन में। तो अगर ये अपनी सिंगल एफिशिएंसी से काम करें सर तो कितनी टॉयलेट्स बना पाएंगे भाई, अगर ये डबल एफिशिएंसी से कर रहे हैं तो 114, अगर ये अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से कर रहे हैं तो 114/2 इतनी चेयर्स, यानी इतनी टॉयलेट्स माफ कीजिएगा बना पाएंगे। यानी ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीनों अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो 114/2, अभी इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा,
लास्ट में कैलकुलेशन इकट्ठी कर लेंगे। भाई कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करना चाहिए, आपका टाइम बचेगा, अभी नहीं करेंगे ना। हो सकता है भाई अभी करने में आपको टाइम लगे, ये टू कहीं आगे जाके कैंसिल ही हो जाए, तो अपना समय बच जाएगा। तो मोदी जी, केजरीवाल जी, राहुल जी, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं बेटा, तो ये एक दिन में 114x2 टॉयलेट बना लेंगे। अब एक चीज दे रखी है, मोदी जी ने 4 दिन काम किया, केजरीवाल जी ने 8 दिन और राहुल जी ने 8 दिन, यानी कि स्टार्टिंग के 4 दिन तो तीनों ने काम किया है ना, क्योंकि केजरीवाल और राहुल ने 8-8 दिन काम किया, यानी स्टार्टिंग के 4 दिन तो तीनों ने काम किया। तो अगर एक दिन में ये तीनों 114x2 चेयर बना पा रहे हैं, है ना, एक दिन में ये इतनी चेयर बना पा रहे हैं, तो 4 दिन में कितनी बना लेंगे भाई, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब ये 2 यहां से कट गया, 114 14 / 2 ये आ गया 228 टॉयलेट्स। माफ कीजिएगा मैं बार बार चेयर बोल रहा हूँ, चेयर की हेल्प से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बच्चों को तो हैबिट हो गई है। तो 228 टॉयलेट्स जो है ये टोटल बना पाएंगे कितने दिन में, ये 4 डेज में हो गया, जब 4 दिन तीनों ने काम किया। अब मोदी जी जो है वो चले गए हैं, अब राहुल जी और केजरीवाल जी के पास 8-8 दिन नहीं, 4-4 दिन बचे, क्योंकि 4 दिन तो ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो 8 में से 4 माइनस के, तो 4-4 दिन बचे। अब यहां पर आ जाओ भाई, केजरीवाल जी और राहुल जी एक दिन में 30 टॉयलेट बना पा रहे हैं, अगर ये दोनों अकेले काम कर रहे हैं तो एक दिन में 30 बना पा रहे हैं, तो 4 दिन में कितनी बना पाएंगे, 40 × 30 यानी कि 120 टॉयलेट्स बना पाएंगे। तो 228 ऑलरेडी टॉयलेट्स बन चुकी हैं इस पहले 4 दिन में, अगले 4 दिन में 120 टॉयलेट्स बनेंगी, यानी अल्टीमेटली 8 दिन में कितनी टॉयलेट्स बन जाएंगी, 348 टॉयलेट्स जो है इन टोटल बनने वाली है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या बात है भैया, ऑप्शन ए ही हमारा मैच हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए भाई। तो अगर आप इसको इस मेथड से करोगे ना, इससे सिंपल मेथड इसका एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। एक्चुअली मोदी जी, केजरीवाल जी वगैरह नहीं दिए थे क्वेश्चन में, जॉर्ज मार्क और हैरी करके दिया था, थोड़ा सा आपके लिए फनी बना दिया। पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है जो टीसीएस ने प्रोवाइड किया था, इसको एक बार रीड कर सकते हैं, वही किया इन्होंने। देखो तीनों मिलकर के 57 चेयर्स बना पा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया भाई, तीनों में से ये 2 माइनस कर दिए, जिससे कि मोदी जी अकेले की एक एफिशिएंसी निकल जाए कि भाई मोदी जी अकेले कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में इतना बना पाया, यानी तीनों की बेसिकली इन्होंने इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल ली। टीसीएस ने जो सॉल्यूशन दिया था, तीनों की इंडिविजुअली, जॉर्ज मार्क और हैरी की इंडिविजुअली एफिशिएंसी निकाल ली कि एक एक दिन में ये इंडिविजुअली कितना काम कर पा रहे हैं। फिर मोदी जी के काम में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 दिन किया भैया, इधर 9 का कर दिया और इधर आपने इधर 8 का कर दिया, इधर भी 8 का, क्योंकि ये दोनों 8-8 डेज काम कर रहे हैं। इस तरीके से निकाला, थोड़ा सा ये और ज्यादा टफ हो गया अगर इस सॉल्यूशन को फॉलो करें, तो जो मैंने बताया भाई उसको फॉलो करो, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, उससे पहले एक और आपको फनी वीडियो दिखाना चाहता हूं भाई, वीडियो को देखिएगा, एंजॉय करिएगा भाई। आपको एक नई लाइन सुना रहा हूं, अरे जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, गजब बेइज्जती, जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, सबको अपनी समझो, अरे सबको अपनी समझो, बीबी का क्या काम है, बीबी का क्या काम है मेरी अंगूठी में। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको मजा आएगा। देखिए इस तरीके से इंडिया में यार मुझे नहीं लगता कोई एजुकेटर पढ़ाता, अगर कॉलेज की भी क्लासेस इतनी एंटरटेनिंग होने लगे तो फिर तो यार नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा नहीं सिर्फ 500 लाइक्स का हम टारगेट रख रहे हैं। चलो भाई अगला सवाल देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने जरूरी होते हैं, 2017 में पूछा बेटा, 18 में पूछा, चैन नहीं पड़ा यार इनके जिगरे में, 2022 में फिर से पूछ लिया। क्या बोला है, हस्बैंड एंड वाइफ कंप्लीट वर्क टुगेदर इन 5 डेज, भाई हस्बैंड और वाइफ एक साथ काम करते हैं तो 5 दिन में काम को कर पाते हैं। Had husband worked twice his own speed and wife half her own speed, it would have taken them 4 days to complete the job. अगर हस्बैंड अपनी स्पीड से डबल करता है और वाइफ आधी स्पीड से करती है तो काम को करने में 4 दिन ही लग जाएगा। मतलब भाई वाइफ आलसी है, क्योंकि अगर हस्बैंड अपनी एफिशिएंसी डबल कर ले तो काम जल्दी हो रहा है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर हस्बैंड अलोन टू डू द जॉब, अगर हस्बैंड अकेले काम कर रहा है तो कितना समय लगे। देखो आमतौर पर रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, पहले हस्बैंड वाइफ शादी के पहले साल सब बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, फिर वाइफ अपनी एफिशिएंसी आधी कर लेती है और एक लेवल बाद ऐसा बचता है कि हस्बैंड को ही सारा काम करना पड़ता है। तो जितने भी लड़के हैं भाई, शादी करने के बाद आपका क्या हाल होने वाला है मैं पहले से ही बता देता हूँ भाई, मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से मैं ये आपको बता रहा हूँ। चलो भाई क्या करना है ना, हस्बैंड और वाइफ 5 दिन में काम को कर लेते हैं, अगर एफिशिएंसी डबल वगैरह करे तो 4 दिन में कर पाते। देखो जो भी डेटा गिवन है ना,
5 or 4 days, मैं आपको बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। जो भी डेटा गिवन है ना भाई, एक बार क्या किया करे, जो कुछ भी डेटा गिवन है क्वेश्चन में उसका एलसीएम निकाल लो। 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। अपन मान लेते हैं टोटल वर्क जो है क्या है सर, टोटल वर्क ऐसा मान लेते हैं हस्बैंड और वाइफ को मिल करके 20 क्या मान ले आइसक्रीम्स बनाना है, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, दोनों को मिलकर के 20 आइसक्रीम बनाना है, हमने ऐसा मान लिया। तो सर एज्यूम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, टोटल वर्क 100 आइसक्रीम भी कर सकता हूँ, 200 भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एलसीएम के बराबर एज्यूम करता हूँ तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हम ये मान लेते हैं कि दोनों को मिलकर के 20 आइसक्रीम बनानी है भाई। अब हस्बैंड को एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाइफ को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनको 20 आइसक्रीम बनानी है भाई। एक साथ काम करते तो 5 दिन में कर पाते हैं, तो अगर मैं 20 में 5 का डिवाइड कर दूं तो भैया 4 आंसर आ रहा है, यानी कि 1 दिन में 4 आइसक्रीम बना पाते हैं अगर एक साथ काम करते हैं तो। ये मैंने वन डे का वर्क निकाल लिया, गेटिंग माय पॉइंट। अब बोला है हस्बैंड जो है अपनी डबल स्पीड से काम करे, डबल स्पीड का मतलब क्या हो गया, 2H, यानी कि दो हस्बैंड मान लो, एक की जगह दो हस्बैंड आ गए, डबल स्पीड से कर रहा है, या एक ही व्यक्ति डबल स्पीड से कर ले या दो व्यक्ति काम कर ले, एक ही बात है, तो 2 हस्बैंड हो गया। और वाइफ अपनी आधी स्पीड से करे, है ना, तो W/2 हो गया। ऐसा करने पे ये 4 दिन में ही काम कर लेते हैं, तो अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरा 5 आ रहा है, 4 दिन में काम को कर पा रहे हैं, 20 आइसक्रीम को 4 दिन में बना पा रहे हैं, यानी 1 दिन में 5 आइसक्रीम्स जो है ये बना पा रहे होंगे, गेटिंग माय पॉइंट, वन डे में, है ना। अगर ये सीन है तो आपको बताना, अगर हस्बैंड अकेला काम कर रहा है तो कितने दिन में कर पाएगा, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको पता चलेगा, यानी कि अगर मान लो 2H जो एफिशिएंसी, इसको भी डबल कर दे, दो हस्बैंड की जगह 4 हस्बैंड हो जाए और आधी वाइफ की जगह पूरी वाइफ हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो W/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो W बचेगा, तो ये डबल काम कर पाएंगे, यानी 10 आइसक्रीम बना पाएंगे 1 दिन में, है ना, 1 दिन में 10 आइसक्रीम बना पाएंगे। अब ये एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन इसको उठा लो, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको उठा लो, H+W=4, इनको माइनस कर दो। ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा मेरे को, वाइफ से वाइफ कट जाएगी, 4H - H आ जाएगा, 3H = 6 आ गया, 6 आइसक्रीम्स। यानी कि अगर हस्बैंड अपनी 3 गुना एफिशिएंसी से काम करे तो 6 आइसक्रीम बना पाता है, कितने दिन में, 1 दिन में, ये निकल के आ गया अल्टीमेटली 1 दिन में, ठीक है भाई। अब अगर ट्रिपल एफिशिएंसी से कर रहा है तो 6 बना पा रहा है, अगर वो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से करेगा तो भैया ट्रिपल एफिशिएंसी से 6 बना पा रहा है तो ओरिजिनल से तो भैया केवल 2 आइसक्रीम ही बना पाएगा 1 दिन में, गेटिंग माय पॉइंट। अगर ओरिजिनल एफिशिएंसी करता है तो 2 आइसक्रीम बना पाता है, अकेले काम कर रहा है, ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 1 दिन में 2 बना पा रहा है, 20 बनानी है तो भाई टोटल 10 डेज लगेंगे बेटा 20 बनाने के लिए, क्योंकि 1 दिन में 2 बना पा रहा है तो 10 दिन में 20 आइसक्रीम बना पाएगा। करेक्ट आंसर आपका 10 डेज निकल के आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, समझाने में समय लगा लेकिन आप बहुत इजीली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो इस मेथड से। वन डे वर्क आप एज्यूम, टोटल वर्क एज्यूम करके वन डे वर्क निकाल के बहुत आसानी से कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई एक्चुअल क्वेश्चन में ए और बी दे रखा था आपको, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, हस्बैंड वाइफ की जगह ए और बी दे रखा था। इन्होंने क्या किया भाई, जो TCS ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था उसमें एज्यूम कर लिया था कि ए जो है टोटल काम एक्स डेज में कर लेता है अगर अकेले करे तो, और बी अगर अकेले काम करे तो टोटल काम वो वाई डेज में कर लेता है। तो ए का वन डे वर्क निकाला, बी का वन डे वर्क निकाला, टुगेदर वन डे वर्क निकाला, फिर बोला कि टुगेदर 5 डेज में कर पा रहे हैं तो 1 दिन में 1/5 कर पा रहे हैं, इक्वेशन बनाई भाई। मैं पर्सनली ये वन डे वर्क वाला मेथड लाइक नहीं करता क्योंकि गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना, दिमाग भी खराब होता है XY में जब आप डील करते हो और टाइम भी कंज्यूम होता है। तो आप एक बार पूरा सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए प्रिंट कर दिया, बाकी इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। देखिए भाई मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। सारी कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिलेगी, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, जॉब नोटिफिकेशंस, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूं, आपको सबके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस भी हम काफी सारी कंडक्ट करते रहते हैं तो उनके भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। TCS में 2018 में पूछा था बेटा, 2021 में फिर से रिपीट कर दिया, तो बार बार बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन अगर आप करके चले जाओगे तो आंख बंद करके आपका TCS में सिलेक्शन हो जाएगा भाई। देखिए क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A:C इज 5:3, A:C का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है,
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी इज टू सी इज 2:3. बी इज टू सी का नंबर ऑफ डेज का रेशियो दे रखा है. ए टेक्स 6 डेज लेस देन सी व्हेन ए एंड सी कंप्लीट्स द वर्क इंडिविजुअली. जब ए और सी अकेले अकेले काम करते हैं तो ए को 6 दिन कम लगते हैं काम को खत्म करने के. अब बोला बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज. बी और सी ने काम शुरू किया, 2 दिन काम किया, छोड़ दिया. द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क. बी और सी ने काम शुरू किया, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, फिर ए की एंट्री हुई तो बचा हुआ काम ए ने खत्म किया. कितने दिनों में ए बचा हुआ काम खत्म करेगा ये बताना है. आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. चौथा ऑप्शन इसमें कैनॉट बी डिटरमाइंड भी है. हो सकता है डेटा अपने को सफिशिएंट नहीं दिया हो तो भाई कैनॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा आंसर. अब एक बार इसको देखते हैं भाई. एक बहुत छोटी सी बात यार रियल लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हो. एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. मानते हैं कि नहीं मानते आप बात. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तो वो कम टाइम में काम को कर लेगा. कोई व्यक्ति कम एफिशिएंट है तो उसको ज्यादा समय लगेगा काम को करने में. अब आप अगर ध्यान से देखो 5:3 ए इज टू सी का एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है. ए इज टू सी का एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है 5:3. ये एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इनके टाइम का रेशियो 3:5 हो जाएगा? बोलो भाई. क्योंकि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो इनका टाइम का रेशियो 1:5:1:3 हो जाएगा, है ना. तो अपन यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का डिवाइड कर देंगे और यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का डिवाइड कर देंगे. राइट, माफ कीजिएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, तो 5 × 3 = 15 कटा 3:5 बचा, है ना. या ट्रिक भी याद रख सकते हो, ए इज टू बी का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है? बी इज टू ए होता है, है ना. तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 है तो क्या मैं टाइम का रेशियो 3:5 लिख सकता हूँ ए और सी का? बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो अपन ऐसा मान लेते हैं काम को करने में ए को, अगर ए अकेले काम को करता है तो कुछ 3x डेज लगते हैं. अरे नहीं भाई, x की याद आ जाएगी, x नहीं लेते हैं अपन, y ले लेते हैं भाई. ठीक है, तो ए को 3y डेज लगते हैं तो सी को कितने दिन लगेंगे बेटा बताना? बहुत बढ़िया भाई, 5y डेज अपने सी को लगने वाले हैं क्योंकि टाइम का रेशियो 3:5 दे रखा है. अब आपको एक और डेटा दे रखा है, ए को 6 दिन कम लगते हैं सी से. यानी अब तो मजा आ गया सर, ए को 6 दिन कम लगते हैं तो अगर ए के डेज में मैं 6 ऐड कर दूं तो सी के डेज आ जाएंगे. क्योंकि ए को 6 दिन कम लगते हैं तो ए के डेज में 6 दिन ऐड कर दो तो सी के डेज हो जाएंगे. ए को रखना जरा 3y + 6 = 5y. तो यहां से आ गया 5y - 3y हो गया 2y = 6. यानी y की अल्टीमेटली वैल्यू निकल के आ गई 3. अब y की वैल्यू 3 निकल के आ गई तो a को अकेले काम करने में कितना दिन लग रहा है? 3 × 3 = 9. y की वैल्यू रख दो और 5 × 3 = 15. यानी अगर a अकेले काम को करता है तो 9 दिन में कर पाता है, c अकेले काम को करता है तो 15 दिन में कर पाता है. अब एक और चीज देखो भाई, अब तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो डायरेक्टली दे दिया. तो अगर मैं b इज टू c की बात करूं तो टाइम का रेशियो दे रखा है. नंबर ऑफ डेज या टाइम का रेशियो दे रखा है क्या आपको? 2:3. अब आपको एक चीज दे रखी, सी को भाई 15 दिन लगते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बी को कितने दिन लग रहे हैं? एक काम करो, इन दोनों में 5 का मल्टीप्लाई कर दो. ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपका 10 बन जाएगा, ये आपका 15 बन जाएगा. तो 2:3 के रेशियो को मैं 10:15 भी लिख सकता हूँ. यस और नो? बिल्कुल लिख सकता हूँ. अब आप ध्यान से देखो भाई, सी को 15 दिन लग रहे हैं किसी भी काम को करने में तो बी को 10 दिन लगने चाहिए, तभी ये रेशियो आपका 2:3 मेंटेन हो पाएगा. यानी यहां से एक बात और निकल के आ गई, अगर बी अकेला काम करता है तो 10 दिन में काम को कर पाता है. अब आप ध्यान से देखो, ए इज टू सी का रेशियो 3:5 आ रहा है टाइम का और बी इज टू सी का रेशियो 10:15 यानी कि 2:3 आ रहा है. यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और ए और सी के बीच में 6 दिन का अंतर है, ए को 6 दिन कम लगते हैं भाई, वो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है. यानी कि यहां से हमने क्या क्या निकाल लिया सर? ए अकेला काम को करेगा तो 9 डेज में कर पाएगा सर, बी अकेला काम को करेगा तो 10 डेज में कर पाएगा और सी अकेला काम को करेगा सर तो 15 डेज में कर पाएगा. ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा निकाल लिया भाई. तो यानी यहां तक तो भाई कहानी खत्म हो गई पूरी क्वेश्चन की. अब आगे की कहानी पढ़ते हैं. देखो भाई, जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है या कोई व्यक्ति लीव करता है तो उस समय मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं भाई. इस ट्रिक को बोलता हूं मैं दगाबाज ट्रिक. क्या बोलता हूं भाई? दगाबाज ट्रिक, है ना, दगाबाज ट्रिक बोलता हूं भाई. इसमें क्या होता है, जब भी ज्वाइनिंग या लीविंग वाला केस आता है ना, वो आप यहां पर दगाबाज ट्रिक यू नो लगा सकते हो. यानी कि क्या होती है, देखो भाई पहले मैं लिख देता हूं, ए वर्क्ड अपॉन ए अलोन वर्क प्लस बी वर्क्ड अपॉन बी अलोन वर्क
प्लस सी वर्कड अपॉन सी अलोन वर्क शुड बी इक्वल टू व्हाट वन। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये ट्रिक ना तो आपको किसी यूट्यूब पर मिलेगी ना किसी किताब में मिलेगी, लेकिन अगर आपने ये ट्रिक अप्लाई कर ली बेटा बहुत जल्दी आंसर निकल के आते हैं। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, आप बहुत आसान कर लोगे। इसको एक बार समझते हैं भाई, ए वर्कड, ए वर्कड का मतलब क्या होता है, ए ने एक्चुअली कितने दिन काम किया, ए अलोन वर्क, अगर अकेले काम करता तो कितने दिन में करता, बी ने एक्चुअली कितने दिन काम किया, अकेले करता तो कितने दिन में कर पाता, सी ने एक्चुअली कितने दिन काम किया, अकेले करता तो कितने दिन में कर पाता, इक्वल टू वन। ए बी सी डी ई कितने भी लोग दे रखे हो सबको प्लस करते जाओ भाई, सिंपल सी बात है। अब ए ने कितने दिन काम किया भाई, वही तो निकालना है, ए ने कितने दिन काम किया। लेट अस सपोज ए ने कुछ जेड डेज काम किया, तो ए ने एक्चुअली कुछ जेड डेज काम किया, अकेले करता तो कितने दिन में कर पाता बेटा, 9 डेज में कर पाता। बी ने एक्चुअली कितने दिन में काम किया, बी एंड सी ने स्टार्ट किया और 2 दिन में खत्म कर दिया, तो बी ने एक्चुअली कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, अकेले करता तो 10 दिन में कर पाता। अगर मैं सी की बात करूं तो सी ने भी 2 दिन काम किया, अकेले करता तो 15 दिन में कर पाता, इक्वल टू 1। आपको कुछ नहीं करना, जेड की वैल्यू निकाल देनी है, तो जेड की वैल्यू वही होगी ए ने एक्चुअली कितने दिन काम किया भाई, रिमेनिंग वर्क ए ने ही खत्म किया, तो जितने दिन काम किया होगा ए ने उतने दिन में उसने रिमेनिंग वर्क फिनिश कर दिया होगा, तो करेक्ट आंसर आपका जेड आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं भाई, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप देखो भाई, 9 आ रहा है यहाँ पर, 10 आ रहा है यहाँ पर, 15 आ रहा है, अपन एक काम करते हैं डिनोमिनेटर में 90 बना लेते हैं सबके, तो 90 बनाने के लिए यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 10z, प्लस यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, तो ये हो गया आपका 18, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 इंटू 6 का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड, तो 6 दुनी हो गया 12 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका यहाँ से आ गया 10z प्लस 18 और 12 हो गया आपका 30 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1, यानी कि आ गया 10z प्लस 30 इज इक्वल टू 90। 10z की वैल्यू आ गई 90 माइनस 30 दैट इज 60, यानी z की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 10 दैट इज 6, यानी कि z ने 6 डेज वर्क किया होगा और तब जाके काम खत्म हो गया होगा, यानी a और b ने, b और c ने काम को शुरू किया, 2 दिन किया, फिर a भाई साहब आए, a ने 6 दिन में काम को खत्म कर दिया और अपना भाई पूरा काम खत्म हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका 6 डेज आने वाला है। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं हम बिल्कुल डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑप्शन बी जो है वो मैच हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, टीसीएस में 2021 में पूछा गया था भाई। देखो दगाबाज ट्रिक अगर आपने सीख लिया ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा। देखो जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो टीसीएस में आपको हेल्प करेंगी भाई, तो अगर कोई दगाबाज ट्रिक मुझसे पढ़कर गया होगा 2021 में, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर चुका होगा। क्या बोला, ए कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स, वी कैन कम्प्लीट इन 10 आवर्स, सी इन 12 आवर्स। भैया ए बी सी स्टार्ट द वर्क टूगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 2 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, आपको ये बताना है भाई। देखिए भाई यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको बोला है भाई ए जो है 8 घंटे में काम कर पाता है, बी अकेले काम करता है तो 10 घंटे में, और सी अकेले काम करता है तो 12 घंटे में कर पाता है। ए बी सी ने काम को शुरू किया, ए ने फिर 2 घंटे बाद छोड़ दिया, बी और सी को रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा भाई, ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, अगेन दगाबाज ट्रिक लगाना है, तो भाई ए ने एक्चुअली कितना वर्क किया वो डिवाइडेड बाय ए का अलोन वर्क, अगर अकेले करता है तो कितने टाइम में कर पाएगा, सिमिलरली बी का एक्चुअल अपॉन बी का अलोन, सिमिलरली सी का एक्चुअल अपॉन सी का अलोन, कितने भी दे रखे हो ए बी सी डी सबको ऐड करते जाना, इक्वल टू 1 कर देना है, है ना। अब देखो भाई ए ने एक्चुअली कितने घंटे काम किया, भैया ए ने तो 2 घंटे काम करके छोड़ दिया, अकेले काम करता तो कितने घंटे कर पाता भाई, 8 घंटे कर पाता, 8 घंटे में कर देता। बी की बात करें तो बी ने एक्चुअली टोटल एक्स आवर्स काम किया, ऐसा मैं मान लेता हूं, चलो एक्स मानूंगा तो फिर आपको एक्स की याद आ जाएगी, मैं मान लेता हूं टोटल पी आवर्स काम किया बी ने, और बी और सी ने पूरा वर्क कंप्लीट किया, यानी भाई सी ने भी पी आवर्स ही काम किया होगा भाई, दोनों ने साथ में एंड किया, तो स्टार्टिंग से रहे हैं ये एंड तक रहे हैं, तो दोनों ने पी पी आवर्स काम किया होगा। अगर भैया बी अकेले काम करता तो 10 आवर्स में कर पाता, और सी ने एक्चुअली कितने घंटे में काम किया, अगेन पी आवर्स काम किया, अकेले करता तो 10 आवर्स में कर देता, है ना, अकेले करता तो माफ कीजिएगा 12 आवर्स में कर देता। ये देखो डेटा सही लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और टाइम भी आप इसमें खो दोगे भैया। अब यहां पर देखो भाई 8, 10 और 12 दे रखा है,
अपन देख लेते हैं मैं नीचे क्या डिनोमिनेटर बनाऊं कि काम चल जाए। डिनोमिनेटर में 120 बना लेता हूं, काम चल जाएगा। 120 बनाने के लिए यहाँ 15 का मल्टीप्लाई 15 का डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई 12 का डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 12 इंटू 2 30 प्लस 12p प्लस 10p इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ये आ गया आपका 30 प्लस 12 और 10 22p इज इक्वल्स टू 120 आ गया, यानी 22p इज इक्वल्स टू 120 में से 30 गए तो 90 बचा, यानी कि 11p इज इक्वल्स टू 45 बचा, यानी p की वैल्यू आ गई 45/11। ये क्या आ गया सर? पी 45/11 आ गया, यानी कि बी और सी ने एक्चुअली कितना काम किया। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, आपसे पूछा बी और सी को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, बी और सी को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो ए बी सी ने तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन तक काम खत्म किया, फिर बी और सी ने रिमेनिंग वर्क को खत्म किया। तो ये जो भी आंसर है इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। 2 आवर्स जो है ये वो काम है जब तीनों ने मिलकर किया। आपसे तो पूछा बी एंड सी ने रिमेनिंग वर्क कितने समय में किया, ये ध्यान रखना। अगर आप 45/11 निकालते तो ऑप्शन बी को आप मार्क करके आ जाते, क्योंकि 4 1/11 इज नथिंग बट आप देखो 45/11 ही होता है। माइनस 2 कर देना, ये कितना बचा 45 - 22/11। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये यहां पर देखो 45 में से अगर मैं 22 माइनस कर दूं तो ये आपका 3 बचेगा, ये आपका 2 बचेगा, यानी अल्टीमेटली दिस विल टर्न आउट टू बी 23/11। 23/11 इज नथिंग बट 2 1/11 आप करोगे तो ये आपका 23/11 आएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आ गया भाई। तो बहुत सारे बच्चों ने, मेरे बच्चों ने दगाबाज ट्रिक लगा भी दी थी, जल्दीबाजी में क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ऑप्शन बी मार्क करके आ गए जो कि गलत है। आपसे पूछा गया रिमेनिंग वर्क को बी और सी कितने समय में कंप्लीट करेंगे, तो ए बी सी तीनों ने 2-2 घंटे काम तो पहले कर ही लिया है। मैंने ये मान लिया था बी और सी का टोटल वर्क पी आवर्स है, लेकिन इस पी में से 2 घंटे माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 2 घंटे तो साथ में काम किया। बी और सी ने जो रिमेनिंग वर्क है जब इन दोनों ने अकेले काम किया वो 23/11 यानी 2 + 1/11 आवर्स में कंप्लीट किया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए भाई, प्रिंटेड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई विजिबल है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टीसीएस में 2019 में पूछा गया था, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए ने अपनी ट्रिपल एफिशिएंसी से काम कर लिया, बी ने हाफ एफिशिएंसी से काम कर लिया, अगर बी अकेले करेगा तो कितनी एफिशिएंसी से करेगा। देखिए भाई 2019 में ये सवाल पूछा गया था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, अगर आपको ध्यान हो ये है ना, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था हस्बैंड एंड वाइफ वाला, ये 2017, 18 और 22 में पूछा था। तो 17-18 के बाद भाई लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि 19 में क्यों ही पूछा जाएगा, 2 साल लगातार पूछा। जी नहीं भाई, आपकी गलत फहमी थी भाई, 19 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर भैया क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका विद्यार्थी कर्तव्य है भाई, इसको सॉल्व करें। कमेंट सेक्शन में मुझे आप सभी लोगों का आंसर चाहिए भाई। एंड अगेन, अगर आपको लगता है कि यार मैं ज्यादा व्यूज डिजर्व करता हूं है ना, तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों में शेयर करें। एंड अगेन, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देंगे तो मुझे यार बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो कमेंट करके बताइए कि चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं। थैंक यू सो मच।